ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, जब से यहाँ पर सैमसंग ने अनाउंस करा है कि सैमसंग वन यू 4.1 लेकर के आने वाला है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मेरे स्मार्टफोन को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कुछ लोग तो मतलब इस चीज़ का मतलब मजाक भी बना रहे कि भाई अभी 4 तो आया नहीं, तो 4.1 की बात कर रहा है। बट भाई यहाँ पर आप समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पर अभी तक जितना भी हमें जो वन यू आई 4 है या फिर एंड्रॉयड 12 अपडेट है वो देखने को मिला है, वो वन यू आई 4 है, यानी कि एंड्रॉयड 12 बेस्ड हमें वन यू आई 4 वर्जन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें जो है अभी तक सैमसंग के सिर्फ और सिर्फ बीटा अपडेट्स ही रोल आउट किए गए हैं, स्टेबल अपडेट रोल आउट नहीं किए गए हैं। तो स्टेबल अपडेट के साथ में सैमसंग यहाँ पर वन यू आई 4.1 रिलीज़ करने वाला है विद एंड्रॉयड 12, विद एस्टेबल एंड्रॉयड 12 के आप कह सकते हो। तो यहाँ पर मतलब देखने वाली बात यह है कि अब वन यू आई 4 का जो सीन है वो ख़त्म होने वाला है, 4.1 ही मिलेगा सभी स्मार्टफोन्स के अंदर, विच इज़ ग्रेट। एंड यहाँ पर 4.1 के कंपेरिजन में 4.0 कितना अनस्टेबल है, कितना मतलब डिफरेंस, उसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको मालूम होगा पहले भी सैमसंग का जो वन यू आई 3 है और 3.1 है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। अब वो क्या चेंजेस थे, वो थे एनिमेशंस के। अब एनिमेशंस क्या होते हैं, मतलब आप अगर डार्क मोड को स्विच करो ना, आप अभी भी चेक कर लेना वन यू आई 3 वर्जन 3.0 के अंदर जो है डार्क मोड एक मतलब एनिमेशन नहीं है, वहाँ पर एकदम झटके से ओपन होता है और झटके से जो है ऑफ होता है। और वहाँ पर जो एक्सपीरियंस है मतलब भाई कहीं ना कहीं ऐसा लगता है थोड़ा सा ख़राब फील होता है। अगर वो स्मूथ तरीके से होता ना जैसे आईफोन्स में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है, जो कि अभी करंटली वन यू आई 3.1 और 3.1.1 के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। 3.1 के अंदर जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, 3.1.1 के अंदर और नेक्स्ट लेवल चीज़ देखने को मिल जाती है कि उसके अंदर हमें डार्क मोड के अंदर और भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है सैमसंग यूज़र्स के लिए। एंड यहाँ पर सैमसंग इस बार ऐसा नहीं करने वाला है कि वन यू आई 4 रोल आउट करे अपने शुरुआती स्मार्टफोन्स के अंदर जिनको भी मिलना है, लाइक ए सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं या फिर एम सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं। एंड बाद में जो स्मार्टफोन्स अपडेट किए जाएंगे वो 4.1 के साथ में किए जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट सभी स्मार्टफोन को, चाहे वो शुरुआत के हो चाहे वो लास्ट के हो, सभी को 4.1 मिल रहा है। एंड ये फाइनल वर्जन है वन यू आई 4.0 का, आप कह सकते हो क्या, आप कह सकते हो स्टेबल वर्जन है एंड्रॉयड 12 के साथ में, स्टेबल वन यू आई 4 का, जो कि 4.1 के नाम से हमें देने वाला है सैमसंग। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सैमसंग के मतलब सभी स्मार्टफोन्स में, मैंने जैसे कि कहा सभी स्मार्टफोन में मिलेगा, तो ये सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है कि भाई जो हमारा ए सीरीज़ है एम सीरीज़ है इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको वन यू आई 4 मिलेगा या 4.1 मिलेगा। अब यहाँ पर मतलब भाई इतना कुछ होने के बाद भी काफ़ी लोग नहीं समझ पाते, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर आप सभी को जितने भी स्मार्टफोन हैं सैमसंग के, उन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर 4.0 की जगह 4.1 ही मिलेगा। यहाँ पर किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन को वन यू आई 4 देखने को नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड 12 के साथ में हमें यहाँ पर 4.1 ही देखने को मिलेगा। एक चीज और मैं कंप्लीटली मतलब क्लियर करना चाहता हूं कि अगर स्टेबल अपडेट आता है सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर, लाइक ए सीरीज के स्मार्टफोन के अंदर हमें स्टेबल एंड्रॉयड की जगह पहले बीटा अपडेट देखने को मिले, तो वहां पे शायद से हमें जो है वन यू आई 4.0 देखने को मिल जाए। और जब स्टेबल अपडेट आए उस स्मार्टफोन के अंदर, तो फिर हमें स्टेबल एंड्रॉयड 12 के साथ में 4.1 देखने को मिले। तो ऐसा हो सकता है, बाकी कहा यही जा रहा है कि अब तो सभी के साथ में जो है 4.1 का जो यूज़र इंटरफेस वो देखने को मिलेगा। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 4.1 यूज़र इंटरफेस यूज़ करने के लिए, बिकॉज वन यू आई 4 के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कही जा रही थी कि बहुत सारी जगह एनिमेशन के अंदर प्रॉब्लम है एंड बहुत सारी जगह एनिमेशन को ऐड करना है सैमसंग को, तो प्रॉब्ली यहाँ पर 4.1 के साथ में ये सभी चीज़ फिक्स कर दी गई होगी। एंड जब भी इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर पता चल जाएगा। एंड अगर आपको जानना है कौन कौन से स्मार्टफोन है जो कि एलिजिबल है एंड्रॉयड 12 और 4.1 के लिए, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड ये तो फिलहाल किस वीडियो में, मिलता है आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।